एंड फ्रेंड्स, मेरा नाम शेखर कुमार चौहान, मेरा यूट्यूब चैनल शेखर फायर फाइटर। मेरी वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं फायर सेफ्टी की वीडियो शेयर करता हूं और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं, डीसीपी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ये सीज फायर कंपनी का फायर एक्सटिंग्विशर है, जो पोर्टेबल फर्स्ट एड फायर एक्सटिंग्विशर, जो पोर्टेबल हल्का होता है, जिसको कोई भी उठा के आसानी से फायर इमरजेंसी के अंदर चला सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। ये आप देखिए, पोर्टेबल में ये 2 kg का फायर एक्सटिंग्विशर है। इसका हम पूरा नाम अगर बोल लें तो बोल सकते हैं, ड्राई केमिकल स्टोर्ड प्रेशर एबीसी टाइप फर्स्ट एड पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। इसको हम मल्टीपर्पज भी बोलते हैं। मल्टीपर्पज इसलिए बोलते हैं कि एक से अधिक आंख में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, आपको दिखाई देगा, एक क्लास सॉलिड फायर लकड़ी कागज कोयले गत्ते की आंख, बी क्लास लिक्विड फायर पेट्रोल डीजल एल्कोहल केरोसिन घी पेंट की आंख, सी क्लास गैसेज फायर एलपीजी पीएनजी सीएनजी और इलेक्ट्रिक फायर पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को ये नुकसान पहुंचा सकता है। डी क्लास मेटल फायर और कुकिंग ऑयल पे आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए मैं इसके बॉडी के पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। ये इसकी मेन बॉडी है और ऊपर कैप असेंबली लगी है। कैप असेंबली हम उसको बोलते हैं जिसमें एक से ज्यादा पार्टों को असेंबल करके बनाया जाता है, उसको हम कैप असेंबली बोलते हैं। इसमें ऊपर जो लगा हुआ है ये कैरिंग हैंडल लगा हुआ है। कैरिंग हैंडल के साथ में ये प्रेशर गेज लगा हुआ है। चलाने से पहले कोई भी फायर फाइटर प्रेशर गेज की नेडिल को अवश्य ध्यान दें और विंग डायरेक्शन हवा की दिशा का हमेशा ध्यान दें। जिधर से हवा बह रही है उसके अपोजिट साइड में होके आपको इसको चलाना है। देखिए ये डिस्चार्ज लगा हुआ है, डिस्चार्ज, यहां से आपका पाउडर हमारा डिस्चार्ज होगा, ठीक है। दूसरा, इसको चलाने के लिए आप देखिए येलो कलर की एक सील लगी हुई है। आप इसको खींचेंगे, चलाएंगे पकड़ने के बाद में, तो इसमें से निकलना शुरू हो जाएगा पाउडर हमारा, जो इसके अंदर मैप 50, मैं आपको दिखा देता हूं, मैप 50 इसके अंदर डाला हुआ है। और जो मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए सब कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है, ड्राई केमिकल पाउडर मैप 50 इसके अंदर डाला हुआ है, जो आग बुझाने वाला पदार्थ है और आग तक पहुंचाने वाला पदार्थ, जिसको हम स्पेलिंग मीडिया बोलते हैं, वो इसके अंदर नाइट्रोजन डाला हुआ है। और हम इसका फायर फाइटिंग के दौरान इमरजेंसी में छोटी आंख के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों एक देखिए, इसका स्टैंड भी है, आप इस स्टैंड का इस्तेमाल इसको हैंग करने के लिए कर सकते हैं। और फिर भी अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे इनबॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।